बीड़ी बनाने वाली कंपनी से लगे धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंचाने के इल्जाम। तुहानूं दस्सदे कि तमिलनाडु के वेलूर स्थित गुरु ताज बीड़ी फैक्टरी से धार्मिक बेअदबी के इल्जाम लगे। कंपनी वालों बीड़ी के पैकेट से गुरु साहब की तस्वीर बनाई गई है। दिल्ली कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने कंपनी की हरकत की निखेधी की। ट्वीट करके मनजिंदर सिंह सिरसा ने सिखी की मर्यादा के खिलाफ इस हरकत को दस्या। इतराज योग बीड़ी पैकेट नो तुरंत बंद करने की उन्होंने वालों मांग की गई है। तुहानू दस दिए कि बीड़ी बनाने वाली कंपनी से धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंचाने के इल्जाम लगे ने। तमिलनाडु के वेलूर स्थित गुरु ताज बीड़ी फैक्टरी से धार्मिक बेअदबी के इल्जाम लगे ने। कंपनी वालों बीड़ी के पैकेट से गुरु साहब की तस्वीर बनाई गई है। तुहानू दस दिंदे कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने ट्वीट में की लिखा। उन्होंने लिखा कि गुरु ताज बीड़ी फैक्टरी ने बीड़ी पैकेट से गुरु साहब वर्गी तस्वीर का इस्तेमाल किया है। ये बहुत ज़्यादा एतराज योग है अते सिखी दे सिद्धांतों के खिलाफ है। असी अजिहे बीड़ी पैकेटा नू तुरंत वापस लैण की मांग करते हैं। कृपा करके इस कंपनी नू अजिहे पैकेटा वाली पैकेजिंग नू तुरंत रोकन दे हुक्म जारी किए जा। बहुत ही मंदभागी है कि तमिलनाडु के एक फैक्टरी ने जिहड़ा बीड़ी दे कोई मंडल दे उत्ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज की फोटो छापी है। श्रोमणी गुरुद्वारा साढ़े को अज ही मामला आया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जिहड़ा चिट्ठी लिखी है असीं कि संबंधित कंपनी के उत्ते कानूनी कार्रवाई जिहड़ी है वह करवाई जाए तो फौरी तौर के उत्ते वो जिहड़ी है छपाई जिहड़ी है उहनूं बंद कराया। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗਣ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਅਨਾੜੀ ਪੁਣੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।